हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स और हमारा टॉपिक है फंक्शन, फलन। फलन का हम आज सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको उसका पूरा बेसिक फंडामेंटल फंक्शन का टाइप्स, किस तरह से हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, ये आपको बताया था। आज हम फंक्शन के जो टाइप्स पढ़े थे, वन वन आन टू, एकाएकी, आच्छादक, ये जो प्रकार पढ़ाया था उस पर हम पहले बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और उस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन करने के बाद फिर हम आज इसके सेकंड कॉन्सेप्ट पर एंट्री करेंगे जो है कंपोजिशन, उसका संयोजन। तो आज का फंक्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आप समझिए। फंक्शन थोड़ा रीजनिंग पर बेस्ड मैथमेटिक्स है, इसलिए फंक्शन को सॉल्व करते समय आपको अपने रीजनिंग कैपेसिटी को, अपने तर्क शक्ति को थोड़ा एक्टिव रखना चाहिए, इमेजिन करना चाहिए, तो यह ढंग से समझ में आता है। तो आपने बेसिक फंडामेंटल क्लियर कर लिया है, आज हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं सेलेक्टेड क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ जो हमेशा एग्जाम में आया हुआ है और हर क्वेश्चन पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, ये हमारा फंक्शन है और वो फंक्शन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सच दैट या एंड फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इसको हमको प्रूफ करना है, नाइदर वन वन नार आन टू, नाइदर वन वन नार आन टू, मतलब क्या हुआ ये कि ना तो यह फंक्शन, ना तो वन वन है, यही लिख देता हूं मैं आपके, आपको दोनों लैंग्वेज में समझ में आएगा, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक, ये आपको प्रूफ करना है। f such that r tends to r, कहने का मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन इस तरह से है कि वह एक रियल नंबर है, r for रियल नंबर माने वास्तविक संख्या है, और फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और हमको प्रूफ करना है नाइदर वन वन नार आन टू, ना तो एकाएकी है, ना तो एकाएकी, ना ही आच्छादक, ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर। तो हमको इसकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि फंक्शन एकाएकी कब होता है, आच्छादक कब होता है। एकाएकी का मतलब होता है एक का एक के साथ में रिलेशन होना चाहिए, और आच्छादक मतलब हर किसी का एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखिए, यदि आपने फर्स्ट चैप्टर को ढंग से नहीं पढ़ा है, आपको एकाएकी नहीं पता है, आच्छादक नहीं पता है, वन वन आन टू पता नहीं है, तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि यदि आपने फर्स्ट पार्ट को अच्छे से नहीं देखा है या फर्स्ट पार्ट आप प्रिपेयर नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आज सबसे पहले इस वीडियो को देखने के पहले आप उस वीडियो को अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं या प्रूफ करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अपन सबसे पहले प्रूफ कर लेते हैं। ये बोलता है नाइदर वन वन, ना तो वन वन है, ना तो वन टू है, क्लियर। तो वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, एक का एक इमेज होना चाहिए और दूसरा इमेज नहीं होना चाहिए। तो रियल नंबर यहाँ पर रियल नंबर है, और रियल नंबर हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, जीरो से लेके पॉजिटिव के तरफ इनफाइनाइट तक, अनंत तक, और निगेटिव की तरफ, ऋणात्मक के तरफ भी अनंत तक। कोई एक एलिमेंट अपन सपोज कर लेते हैं। सपोज सबसे पहले हम प्रूफ कर रहे हैं एकाएकी, एकाएकी मतलब वन वन, हम सबसे पहले प्रूफ कर रहे हैं कि वन वन कैसे होता है। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज इफ यदि x इक्वल टू माइनस वन, देन यदि हम x इक्वल टू माइनस वन सपोज कर लें, तो हमारा जो फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन का स्क्वायर दैट इक्वल वन, एंड इफ x इक्वल टू प्लस वन, देन यदि हम x इक्वल टू प्लस वन सपोज कर लें, तो उस कंडीशन में
फंक्शन ऑफ प्लस वन इक्वल टू वन का स्क्वायर दैट इज आल्सो वन। यहाँ से क्या पता चलता है, यदि मैं इसको आपको मैपिंग में समझा दूँ तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि ये हमारा ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और डोमेन के पास हमारे दो एलिमेंट्स हैं माइनस वन एंड वन। एक्स का वैल्यू ये सपोज एक्स है, ये वाई है, तो ये वन है और माइनस वन है, और हमने माइनस वन रखा इसका वैल्यू क्या आया, कोडोमेन कितना आया, वन आया, और हमने प्लस वन रखा तब भी उसका वैल्यू क्या आया, वन आया। मतलब यहाँ पर दोनों के एक ही कोडोमेन है और ये वन वन नहीं होता। वन वन की विशेषता क्या है, हर एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, और यहाँ पर मेनी वन हो गया, बहु एक की बहु से का एक में हो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन वन, वह एकाइकी नहीं है, नाइदर वन वन प्रूफ करना है तो फंक्शन इज नॉट वन वन। यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन क्या है, एकाइकी नहीं है। ठीक है, अब अपन प्रूफ कर, देखिए यहाँ पर मैं मैपिंग आपको समझाने के लिए बताया हूँ, ये जरूरी नहीं है आपको बताना, आप यहीं पर लिख सकते हो कि दोनों के चूंकि एक ही इमेज है, दोनों एलिमेंट्स के माइनस वन का वैल्यू भी वन है और प्लस वन का वैल्यू भी वन है, इसलिए क्या होगा, यह एकाइकी नहीं है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं, आच्छादक। इसमें देखो ये मैथमेटिक्स डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको प्रॉपर्टी प्रॉपर पता होना चाहिए उसका। ठीक है, तो सेकंड नंबर में अपन देखते हैं सेकंड आच्छादक, सेकंड प्रॉपर्टी इसका आच्छादक मतलब आन टू। देखें मैं यहाँ पर कंप्लीट टर्मिनोलॉजी को दोनों लैंग्वेज में यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स का मैं एक वीडियो बाइलिंगुअल बना रहा हूँ और कुछ ही टॉपिक में हमको लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ता है, बाद में अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वगैरह पढ़ते हैं तो लैंग्वेज का तो ज़रूरत भी नहीं है। क्लियर, मैथमेटिक्स अपने आप में खुद एक लैंग्वेज है। तो सेकंड पार्ट में अपने को प्रूफ करना है आन टू। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सपोज लेट वाई इक्वल टू माइनस वन, हमने मान लिया कि मान लो y का वैल्यू माइनस वन है, मतलब एक कोडोमेन का एलिमेंट मान लिया, y मतलब हमने कोडोमेन का सह प्रांत का एक एलिमेंट, एक अवयव मान लिया माइनस वन। अब चूंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या होता है y, ये फंक्शन ऑफ x हमेशा y के इक्वल होता है, और फंक्शन ऑफ x क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल टू y हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी स्क्वेयर वाले क्वांटिटी का वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी स्क्वेयर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी भी नंबर के लिए हम स्क्वेयर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इससे ये पता चलता है कि सपोज हम इसको मैपिंग में समझें तो क्या पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी नंबर, सपोज यहाँ पर माइनस वन मैं लिखता हूँ y का वैल्यू यहाँ पर x, तो माइनस वन का मतलब यहाँ पर एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसका इमेज क्या हो, माइनस वन हो। क्लियर, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स आप ऐसा नहीं ले सकते जिसका इमेज माइनस वन हो, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट आप लोगे उसका आप स्क्वायर करोगे, क्योंकि फंक्शन ऑफ x हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ये सब पॉजिटिव नंबर होंगे, तो रियल नंबर में तो निगेटिव नंबर भी आएगा, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, रियल नंबर है, हमारा फंक्शन वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या में निगेटिव नंबर है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना लेना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखो कि आन टू का प्रॉपर्टी क्या है, आच्छादक का क्या प्रॉपर्टी है, कि हर वाई के हर एलिमेंट का मतलब हर कोडोमेन का कोई प्री इमेज होना चाहिए, मतलब यह किसी न किसी का इमेज होना चाहिए, तब वो फंक्शन क्या होता है, आन टू होता है, अदरवाइज आन टू नहीं होता। तो देखिए ये टॉपिक वन वन आन टू वाला जो टॉपिक है बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, बहुत से स्टूडेंट बस कंफ्यूज होते रहते हैं, सर ये कैसे हो, तो थोड़ा ध्यान से समझना, मैं पूरी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे मेरे को एक कोऑपरेशन चाहिए कि फर्स्ट वीडियो में मैंने जो फंडामेंटल बताया है इसीलिए मैंने थोड़ा सा पार्ट वहाँ पढ़ाया था ताकि स्टूडेंट उसको अच्छे से कर लें, तो आपको समझना है। बाय द वे आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में तो इमीडिएट ये वीडियो क्लोज करिए और फर्स्ट पार्ट को देखने के बाद इसमें एंट्री करिए, और फर्स्ट पार्ट यदि आपका क्लियर है तो यहाँ समझने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो विच इज नॉट पॉसिबल तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर
फंक्शन इज नॉट वन वन जैसे हमने बोला, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्लियर, फंक्शन इज नॉट ऑन टू मतलब आच्छादक भी नहीं है। और हमको यही बात प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट द गिवन फंक्शन इज नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, न तो वह एकाएकी है और न ही वह आच्छादक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि फंक्शन वन वन भी नहीं है मतलब एकाएकी भी नहीं है, और फंक्शन क्या है ऑन टू भी नहीं है, ठीक है, मतलब वो आच्छादक भी नहीं है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसी बेस पर बेस्ड है वो भी, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम वन वन या ऑन टू ही अपन प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, प्रूफ दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर मतलब यहाँ पे रियल नंबर है और ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये फंक्शन पर यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए मेरे आपको 11th क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि फंक्शन समझने के लिए, पहले वीडियो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फंक्शन समझने के लिए आपको 11th क्लास में जो मैंने फंक्शन के टाइप्स पढ़ाया है वो पढ़ना पड़ेगा। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, और इसको इस फॉर्म में दिया है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल महत्तम पूर्णांक फलन का ये संकेत है, ये इसका सिंबल है, इस तरह से हम उसको लिखते हैं महत्तम पूर्णांक फलन को। तो इसको हमको प्रूव करना है, डज नॉट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस दैन इक्वल टू एक्स, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नाइदर वन वन नॉर ऑन टू, यहाँ पर भी वही टॉपिक प्रूफ करना है, नाइदर वन वन नॉर ऑन टू मतलब न तो एकाएकी है ना तो एकाएकी ना आच्छादक। इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ना तो एकाएकी ना आच्छादक, नाइदर वन वन ना ऑन टू, ये हमको प्रूफ करना है और ये हमारा गिवन फंक्शन है इस तरह से। तो सबसे पहले हम इसको प्रूफ कर दें इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन फर्स्ट, यहाँ पर हमको प्रूफ करना है वन वन, वन वन मतलब एकाएकी, हम देखते हैं एकाएकी कि एकाएकी है कि नहीं। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट्स अपन ले लेते हैं महत्तम पूर्णांक फलन को बताने के लिए। देखिए, इस फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को बनाने के लिए आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। पहला ये कि आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एकाएकी कब होता है, आच्छादक कब होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसका बिहेवियर कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, कि वो किस तरह से व्यवहार करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा दूँ पहले कि महत्तम पूर्णांक फलन की विशेषता क्या है, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ 11th क्लास का, अदरवाइज उसको आपको डिटेल में देखना चाहिए। जैसे कहीं पर लिखा है मैंने 1.5 ये लिखा है, तो 1.5 जब महत्तम पूर्णांक फलन से बाहर निकलेगा तो इसका मतलब होता है 1.5 क्या है, पूर्णांक नहीं है, इंटीजर नहीं है, वो दशमलव है। तो उसका जो आंसर आएगा वो पूर्णांक में आएगा, मतलब महत्तम पूर्णांक फलन का जो वैल्यू होता है वह हमेशा क्या होता है, पूर्णांक होता है। और महत्तम पूर्णांक फलन जो दिया है उसे छोटा पूर्णांक होता है, मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ये बात आप ध्यान रखना कि 1.5 इतना हो। जैसे कहीं पर लिखा है -1.3 ये लिखा है, तो -1.3 से छोटा पूर्णांक क्या होगा, -2 होगा, ये वैल्यू होगा। तो ये महत्तम पूर्णांक फलन की विशेषता है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ वैल्यूज़। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है ये डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, ये वास्तव में कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैथमेटिक्स है। फंक्शन एक लॉजिकल मैथमेटिक्स है और कॉन्सेप्ट का बड़ा रोल है इसमें, क्यों, आपको सब चीज़ समझ में आना चाहिए कि कौन से फंक्शन का क्या बिहेवियर है। तो यहाँ पर देखो, सपोज अपन मान लेते हैं लेट
एक्स इक्वल टू 2.5, ये मैंने सपोज कर कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि 2.5 ही लेना है, कोई भी एक डेसिमल में वैल्यू ले लिया। और यहाँ पर देखो कि ये क्या है, एक रियल नंबर है, एक क्या वास्तविक संख्या है। तो देयरफॉर ये फंक्शन ऑफ एक्स, तो फंक्शन ऑफ 2.5 इक्वल यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 और जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर। एंड इफ एक्स इक्वल टू 2, अब मैंने 2 रख दिया तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और जो खुद एक पूर्णांक है ये 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये, यदि हम इसका मैपिंग बनाएं यहाँ पर तो x ये y डोमेन कोडोमेन, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा 2.5 और 2, और 2.5 का भी इमेज 2 है और 2 का भी इमेज क्या है 2 है, तो ये 1-1 नहीं हुआ है तो मेनी 1 हो गया, बहु एक एक ही हो गया क्योंकि बहुत से एलिमेंट का एक इमेज बन रहा है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट देयर फॉर, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन बताया वैसे ही है, फंक्शन इज नॉट 1-1, फंक्शन 1-1 नहीं है। तो कुल मिला के आपको क्या यहाँ नई बात है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ये महत्तम पूर्णांक फलन का आपको विशेषता पता होना चाहिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, वो एक्स स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर के बिहेवियर के हिसाब से हमने वैल्यू बताया, यहाँ पर हम महत्तम पूर्णांक फलन के हिसाब से इसका बिहेवियर बताया। तो 2.5 और 2 दोनों को एक ही इमेज है, दैट मीन्स ये 1-1 नहीं है, एकैकी नहीं है। एकैकी क्या कहता है, एक का एक इमेज होना चाहिए, एक का एक से ज़्यादा इमेज नहीं होना चाहिए, या एक का कई प्री इमेज नहीं होना चाहिए, ये प्री इमेज कहलाता है, ये इमेज कहलाता है। तो यहाँ पर ये एकैकी नहीं है, इसी को यदि बोला रहता कि मेनी वन है प्रूफ करो, बहु एकैकी है तो प्रूफ हो जाता, ये प्रूफ हो जाता। मतलब यहाँ पर फंक्शन इज नॉट 1-1, तो आपको भी पहचान आना चाहिए कि 1-1 नहीं है तो क्या है, तो मेनी वन है वो। बाय द वे क्वेश्चन में मेनी वन प्रूफ करने के लिए दे दे, तो मेनी वन प्रूफ हो जाएगा, बहु एकैकी है प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आच्छादक प्रॉपर्टी, इसका हम आच्छादक प्रॉपर्टी देखें तो बस आपको लिखना आना चाहिए कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को लिखना है। सेकंड क्या है, अनटू, अनटू मतलब आच्छादक। अब देखना है कि आच्छादक है कि नहीं, तो आच्छादक है कि नहीं ये जानने के लिए हमने सपोज कर लिया, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में किया था, हमने मान लिया लेट वाई इक्वल टू 2.5, दैट मीन्स हमने मान लिया एक कोडोमेन कि हमारा जो मैपिंग है उसमें हमने 2.5 मान लिया। अब चूंकि हमको पता है कि फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है वाई, दैट इम्प्लाइज फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ नहीं ना सॉरी ग्रेटर, मॉड सीधा लाइन होता है, ये इक्वल टू वाई। देयरफॉर अब यहाँ पर आप देखो कि मैं इसका वैल्यू यदि क्या रखूँ 2.5, तो ये एक्स इक्वल टू 2.5 मैंने यहाँ पर माना हुआ है, तो ये क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन 2.5 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 2.5 वो नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन कहता है कि हर फंक्शन का एक पूर्णांक मान होगा, और 2.5 एक पूर्णांक नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं यदि आपको मैपिंग से समझा दूँ, तो ये सपोज एक्स वाई है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स वाई, और यहाँ पर वाई का वैल्यू यदि मैं 2.5 रखना चाहूँ तो यहाँ पर आप एक भी वैल्यू नहीं बता सकते, एक्स का आप एक भी वैल्यू ऐसा नहीं बता सकते जिसका इमेज 2.5 हो, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, कोई भी रियल नंबर रखोगे, तो यहाँ जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा, वह एक इंटीजर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और आच्छादक क्या कहता है कि y के पास जितने, मतलब जितने कोडोमेन हैं, जितने सह प्रांत हैं, उनका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए, तो इसका प्री इमेज कोई नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का वैल्यू 2.5 नहीं हो सकता, क्लियर। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे देयरफॉर फंक्शन इज, इतना हिंदी में आप अपने से लिख लेना ना, बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ, फंक्शन इज नॉट अनटू, मतलब हिंदी में क्या लिखोगे, अतः फलन आच्छादक नहीं है, फलन आच्छादक नहीं। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स आता है मेरे कमेंट्स बॉक्स में कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं तो प्लीज़ हिंदी में बताइए, भैया मैं 100% बाईलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ आपको,
यहाँ पर मैं आंटू लिखा हूँ, लेकिन आपको बता भी रहा हूँ कि आच्छादक, इतना तो आप समझ सकते हैं, नॉट आंटू मतलब आच्छादक नहीं है। इतना इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा, आप जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इतना इंग्लिश समझना पड़ेगा। और इतना भी इंग्लिश आप नहीं समझोगे तो ट्वेल्थ क्लास के बाद आप जिस भी फील्ड में जाएंगे साइंस के, वहाँ आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है। आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, आप आईआईटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, तो वहाँ पर हिंदी में इतना इंग्लिश आपको कम से कम जो सब्जेक्ट के टेक्निकल वर्ड्स हैं वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इस बाइलिंगुअल पढ़ने से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को फ़ायदा है, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि साथ में इंग्लिश भी टर्म को समझता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अपना सिर्फ इंग्लिश में पढ़ के काम चाहिए, उसको हिंदी से कोई मतलब नहीं है। तो मैथमेटिक्स को मैं हमेशा दोनों लैंग्वेज को कंबाइन पढ़ाता हूँ। फिजिक्स में मेरे वीडियो सेपरेट हैं, हिंदी मीडियम के अलग और इंग्लिश के अलग, क्योंकि वहाँ पर हम कंबाइन नहीं पढ़ा सकते, वहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है और एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। मैथमेटिक्स में तो बहुत कम, वो कुछ ही मैथमेटिक्स हैं जहाँ पर ऐसा है, बाकी जगह तो है भी नहीं, तो उतना आपको मैनेज करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गया कि फंक्शन नाइदर वन वन नार आंटू, ना तो वह एकैकी है और न ही वो आच्छादक है। ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन की जो प्रॉपर्टी है वो रेयर ऑफ द रेयर प्रॉपर्टी है, ये जानना जरूरी है कि वो किस तरह का बिहेवियर रखता है। ये फंक्शन के पूरे टाइप्स ना 11th क्लास में है, और जिसको अपना बेस बहुत अच्छे से स्ट्रांग करना है, या तो आपने 11th में अच्छे से पढ़ाई की होगी तो यह सब आपको पहले से पता होगा। बाय द वे, आपको लगता है कि हमारा 11th से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो मेरा एक सजेशन है फंक्शन के 11th के भी टॉपिक को आप देखिए, क्योंकि फंक्शन का 11th का टॉपिक आप देखोगे तो वहां पर आपका पूरा बेस क्लियर हो जाएगा। फंक्शन 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। 11th क्लास में बेसिक है, ये उसके आगे के एडवांस है, और मैं 11th क्लास का वीडियो बनाते समय या स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय बात जरूर याद दिलाता हूं कि फंक्शन को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि फंक्शन फिर आपको 12th क्लास में भी काम आएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ वो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत से बोर्ड के एग्जाम में, CBSE में कई बार आया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। लेट एफ सच दैट एन टेंस टू एट, एन टेंस टू एन, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, यहाँ पर एन क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, ये नेचुरल नंबर है, एन फॉर नेचुरल नंबर, ये गिवन है। और बोला गया है कि फंक्शन ऑफ एन इक्वल एन प्लस 1/2, ये कब, जब क्या हो, एन इज ऑड नंबर, और एन अपॉइंट टू व्हेन एन इज इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर का मतलब क्या है, विषम संख्या, ये विषम है यहाँ पर n, और इवन मतलब क्या है, ये सम संख्या है, ये दिया हुआ है। और हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, NCERT में है क्वेश्चन, यहाँ पर सम संख्या है वो विषम संख्या है, और हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, whether the function is bijective, इसका मतलब क्या बोल रहा है, चेक करने बोल रहा है, whether मतलब फलन कहाँ, ये बोल रहा है कि फलन कहाँ पर, या चेक करने बोल रहा है कि bijective को अपन क्या बोलते हैं, bijective को थोड़ा ध्यान देना, इंग्लिश में इसका एक और नाम बता दे रहा हूँ, 1/1 and 2 होता है, bijective का मतलब होता है 1/1 and 2, ऐसा बाइजेक्टिव का है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, 1/1 and 2 मतलब एकैकी आच्छादक। तो फलन क्या, फलन एकैकी आच्छादक है, ये क्वेश्चन मार्क है। वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, फलन एकैकी आच्छादक है, ये हमको प्रूफ करना है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा ध्यान से समझो, एफ सच दैट एन टेंस टू एन, दैट मीन्स यहां पर फलन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वेयर फंक्शन ऑफ एन इक्वल टू
एन प्लस वन बाई टू कब, जब एन क्या हो, ऑड नंबर हो, मतलब एन क्या हो, विषम संख्या हो, और एन बाई टू व्हेन एन इज इवन नंबर, जब क्या हो, सम संख्या हो। तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे वन वन ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमको पहले यह देखना है कि वन वन है कि नहीं। सॉल्यूशन में हम फर्स्ट देख लेते हैं वन वन, हम पहले चेक करेंगे वन वन मतलब एकैकी, ये हम पहले चेक करेंगे। अब एकैकी का नेचर तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से एकैकी होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एकैकी से हमको कैसे पता चलेगा, हम n के दो वैल्यू इवन आठ, तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं फर्स्ट इफ n1, हमने n1 ले लिया, n1 इक्वल टू 1 ले लिया, और एक क्या है, एक विषम संख्या है, तो उस कंडीशन में देयरफॉर फंक्शन ऑफ n1 दैट मीन्स फंक्शन ऑफ 1 इक्वल, यहाँ पर मैं 1 रखूँगा क्योंकि एक विषम संख्या है, तो आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2, और 2 अपॉन 2 मतलब कितना हो गया 1। और सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं कि इफ n इक्वल टू 2 मतलब सम संख्या, तो उस कंडीशन n2 ले लिया, सपोज n1 n2 ले रहा हूँ तो n2, तो देयर फॉर फंक्शन ऑफ n2 इक्वल टू आएगा फंक्शन ऑफ 2 इक्वल, अब चूंकि 2 यहाँ सम संख्या है तो ये वाला पार्ट को लेंगे, ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर जो मैं आपको अभी तक बताते आ रहा हूँ वही केस आ गया, क्या केस आ गया देखिए, कि जब n का वैल्यू 1 है मतलब क्या है, विषम है, उस कंडीशन में भी फंक्शन हमारा 1 हो रहा है। अब जब n इक्वल टू 2 हम लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं, इवन नंबर लिख रहे हैं, तब भी इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब सम और विषम दोनों के लिए उसका इमेज क्या है, 1 है। मैपिंग में आपको समझा दूं यहाँ पर, तो इस तरह से मैपिंग में अच्छा समझ में आता है इसलिए उसको मैं बताता हूँ आपको, एक्स वाई 1 और 2 दो वैल्यू हमने रखा, तो 1 के लिए भी उसका फंक्शन का वैल्यू 1 आ रहा है, 2 के लिए भी 1 आ रहा है। देखो यदि हमने n को 1 रखा है तो भी फंक्शन 1 आया, और n को 2 रखा है तो भी फंक्शन 1 आया, दैट मीन्स 2 का एक इमेज है, तो ये तो 1 1 नहीं हुआ, ये बोल रहा है वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 ऑन 2, फलन एकैकी आच्छादक है, तो क्या पता चल गया, 1 1 नहीं है, यहाँ से हमको ये पता चल गया कि 1 1 नहीं है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट वन वन, क्लियर, नॉट वन वन मतलब एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये प्रूफ हो गया। अब हमको देखना है कि क्या वह आच्छादक है, यदि दोनों चीज हो जाए तो बाइजेक्टिव होगा, इसलिए बोला है वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्या वह बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव तो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए एकैकी आच्छादक होने के लिए क्या होना चाहिए, उसको 1 1 भी होना चाहिए एंड ऑन 2 भी होना चाहिए, तो 1 1 तो नहीं हुआ, फंक्शन इज नॉट 1 1। अब अपन देख रहे थे इसका सेकंड पार्ट, ऑन 2 वाला पार्ट, सेकंड पार्ट यदि हम देखें ऑन 2 मतलब यहां पर यदि हम ऑन 2 चेक कर लेते हैं मतलब आच्छादक, तो यहां पर दो कंडीशन इसका अप्लाई करते हैं सम और विषम के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं विषम के लिए, तो विषम के लिए यदि हम n बिलोंग्स टू कर दें 2n-1, यह 2n-1 सीधा लिख दें 2n-1, यह 2n-1 हमेशा एक विषम संख्या होगा फॉर एवरी एलिमेंट्स ऑफ n, कोई भी n बिलोंग्स टू कैपिटल n के लिए, मतलब यदि हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्या हो, तो कोई भी प्राकृतिक संख्या के लिए यदि हम उसमें 2 को मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस करें, जैसे n का वैल्यू 2 × 4 = 3, ये आपको पता है कि 2n-1 हमेशा क्या होता है, विषम होता है, तो उस कंडीशन में यदि हम अपने फंक्शन को निकालें तो फंक्शन ऑफ 2n-1 इक्वल ये विषम वाला पोर्शन को हम लगाएं तो n प्लस 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा 2n-1, क्या करेंगे हम, ये जो n का मान है वहाँ पर रखेंगे 2n-1 और प्लस 1 अपॉन 2, दैट इक्वल 1 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 ये हो जाएगा 2n अपॉन 2 जो कि हो गया n। और सेकंड कंडीशन हम लगा लें क्या, सम, तो सम का यदि हम कंडीशन लगा लें तो सम संख्या हम किसको मान सकते हैं,
टू एन को मान सकते हैं, फॉर एवरी प्रत्येक एन बिलोंग्स टू एन के लिए। तो देयर फॉर अब यदि इसको सम है, टू एन सम संख्या होगा, क्योंकि एन का कोई भी यहाँ पर आप मान रखोगे, कोई भी प्राकृतिक संख्या रखोगे, तो दो से गुणा होकर क्या बन जाएगा, वो सम बन जाएगा। तो 2n को अब सम वाले कंडीशन में इसमें रखेंगे तो फंक्शन आप 2n इक्वल टू हो जाएगा 2n अपॉन 2 दैट इक्वल n। अब यहां पर के डिस्कशन को आप थोड़ा ध्यान से समझना, जब मैं विषम लिया तो उसका वैल्यू n आया, जब उसको मैं सम लिया तब भी वैल्यू n आया। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हमने n को एक नेचुरल नंबर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इसका मैपिंग करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर आप सम और विषम कुछ भी नंबर लेंगे, तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएगा वो कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ भी एक नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या, ये भी एक नेचुरल नंबर है। तो सम विषम कोई भी नंबर यदि आप एक्स में लेंगे तो एक्स का जितना भी कोडोमेन बनेगा सब के सब इसके किसी न किसी के इमेज होंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी एलिमेंट्स खाली नहीं बचेगा, चाहे आप सम लो चाहे विषम लो, वहां पर एक नंबर आपको मिलेगा जो कि n होगा, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। क्लियर, एक से लेकर अनंत तक पॉजिटिव नंबर, ये प्राकृतिक संख्या होता है, जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो फिर क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या हो जाता है, जीरो को शामिल कर दें तो ये यहां से ये पता चला कि सबका कोई ना कोई इमेज होगा, मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं होगा जो बचे, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा, क्योंकि आच्छादक होने के लिए जरूरी है कि सब के सब का कोई ना कोई प्री इमेज, उसके पूर्व का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देयर फॉर फंक्शन इज अनटू, ये हो जाएगा फंक्शन अनटू हो गया। इस तरह से हमको क्वेश्चन को बोला है कि वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो आंसर क्या होगा, फंक्शन इज नॉट वन वन बट अनटू, फंक्शन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है लेकिन आच्छादक है, और दोनों हो जाता तो क्या हो जाता, वो दोनों होने से बन जाता वो बाइजेक्टिव, मतलब बन जाता वन वन अनटू, इसीलिए प्रूफ करने नहीं बोला, इसीलिए बोलता है वेदर द फंक्शन। तो क्वेश्चन में घुमाव है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट पर है, क्वेश्चन में खुद प्रूफ करने नहीं बोल रहा है, वो हमको चेक करने बोल रहा है कि वह फलन बाइजेक्शन है, किसे आप चेक करके बताओ है कि नहीं। तो हमने चेक करके क्या बताया कि फंक्शन बाइजेक्शन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वन वन नहीं है एंड टू है, और इसके लिए उसको दोनों होना चाहिए। तो ये मैंने उस दिन भी कुछ क्वेश्चन आपको बताया था वन वन एंड टू का, जब फंडामेंटल समझाया था, और आज भी मैंने इसका बताया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और इतने क्वेश्चन से मैं समझता हूँ कि वन वन एंड टू के क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप क्या करिएगा, अब आपके पास जो भी टेस्ट बुक होगा, एनी वन एनसीईआरटी बुक होगा, जो भी टेस्ट बुक आपके स्टेट बोर्ड में चलता है या सीबीएसई बोर्ड में, आईडी शर्मा वगैरह जो भी बुक है, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। और क्वेश्चन बनने में यदि प्रॉब्लम आता है तो मेरा आपको सजेशन है, एक बार अपने आप कॉन्सेप्ट को अच्छा स्ट्रांग करिए, मेरा फर्स्ट पार्ट का देख के, आज का देख के, और उसके पहले 11th क्लास के भी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लीजिए। अब मैं फंक्शन के नेक्स्ट पार्ट पर चढ़ता हूँ, जिसको हम पढ़ेंगे, मतलब नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इसमें, उसका फंडामेंटल और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए संयोजन, उसका हम संयोजन किस प्रकार से करते हैं, कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं फंक्शन का, मतलब दो या दो से अधिक फलनों को क्या करना, कंबाइन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक न्यू कॉन्सेप्ट है। यहाँ से क्वेश्चन के पैटर्न क्या होंगे, बदल जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने इसके प्रकार वन वन एंड टू वगैरह पढ़ा, और सेकंड पार्ट में अपन पढ़ेंगे इसके कंपोजिशन को। तो पहले हम बता दें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, हिंदी में बोलेंगे फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। अभी तक हमारे पास एक फलन होता था, अब हम क्या करेंगे, फलन को कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो सपोज हमारे पास तीन नॉन एम्प्टी सेट हैं, सपोज एक सेट ये है, एक सेट ए मैंने ले लिया, सपोज ये सेट ए है,
इसके बाद नॉन एम्प्टी मतलब अरिक्त समुच्चय। और एक सेट ले लिया, सपोज मैंने ये बी ले लिया और सपोज एक सेट ले लिया सी, ये सी है और ये हमारा एक सेट है बी, ये तीन अरिक्त समुच्चय है और इनके साथ में रिलेशन किस तरह से है। देखिए रिलेशन को आप ध्यान से समझना, यहाँ पर एफ सच दैट ए टेंस टू बी, मतलब ये इसका क्या है, एक फंक्शन है, क्लियर। एंड एफ सच दैट बी टेंस टू सी, बी के सी के साथ में एक फंक्शन है, इस प्रकार से। तो यहाँ से ये दोनों चीज हो तो देयर फॉर ए का सी के साथ में, उस कंडीशन में ए का सी के साथ में एक फंक्शन होता है और इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, देयर फॉर एफ सच दैट ए टेंस टू सी, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जी ओ एफ ऑफ एक्स। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में गाफ भी पढ़ देते हैं लेकिन वास्तव में गाफ नहीं है, जी ऑफ जी फंक्शन ऑफ एफ, और इसका मतलब होता है इस तरह से जी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये क्या होता है, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है, मतलब ए बी के साथ में एक फंक्शन है, ए बी के साथ में एफ है और ये जी है, ये एफ है ये जी है, यहाँ पर एफ नहीं ना जी दूसरा फंक्शन है, सॉरी दो फंक्शन है यहाँ पर। इसको ध्यान से समझना, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, ये एफ, एंड जी सच दैट बी टेंस टू सी, बी से सी के साथ में क्या है फंक्शन, जी है। तो ए का सी के साथ में एक फंक्शन बनेगा और इसी फंक्शन को इस तरह से, इसी फंक्शन को हम क्या कहेंगे, जी ओ एफ ऑफ एक्स। और इस जी ओ एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पर लिखा गया है इसको हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखते हैं, यही कहलाता है क्या, इसका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन को संयोजन करना, जोड़ना। एक बार रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो फंक्शन है, ए का बी के साथ में रिलेशन है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी, माने बी ए का एक फंक्शन है और फिर सी बी का एक फंक्शन है, तो ए भी सी का एक फंक्शन होगा जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही कहलाता है क्या, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। फिर अभी मैं आपको कुछ इसमें क्वेश्चन करा दूं, तो क्वेश्चन कराने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, फंक्शन में इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो मैं बस दो तीन क्वेश्चन आपको करा देता हूं और इससे आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर चाहे तो आप फिर दो चार क्वेश्चन कर लेना, नहीं भी करोगे तो जितना मैं बता रहा हूं उससे आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा कंपोजिशन का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इस पर अपन क्वेश्चन करते हैं, फलनों के संयोजन पर। सपोज यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है समझाने के लिए, आपको एक बुक से मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है, एक इजी क्वेश्चन लेते हैं ताकि हम आपको आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता सकें। f इक्वल टू 2, 3, 4, 5, f such that 2, 3, 4, 5 tends to 3, 4, 5, 9 एक रिलेशन फंक्शन इस तरह से है, एंड जी सच दैट, जी के वैल्यूज हैं 2, 4, 5, 9 टेंस टू मतलब की और अग्रसर होना ना, 7, 11, 15 ये हमको गिवन है और आगे बोलता है फंक्शन एज फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू 2। यहाँ पर हमको और दिया हुआ है क्या, फंक्शन ऑफ टू इक्वल टू थ्री, फंक्शन ऑफ, ये वैल्यूज दिया है ना, फंक्शन ऑफ फोर इक्वल टू फाइव के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं और ये इक्वल हैं किसके, ये ऑलरेडी दोनों मतलब दोनों इक्वल ही हैं और फाइव के इक्वल हैं, ये एक साथ कंबाइंड वैल्यू दिया हुआ है। एंड जी थ्री इक्वल टू जी फोर इक्वल टू सेवन जी थ्री
इक्वल टू जी फोर इक्वल टू सेवन, ये गिवन है। जी फाइव जी नाइन इक्वल टू इलेवन, जी फाइव इक्वल टू जी नाइन है और इक्वल टू इलेवन है, ये गिवन है। एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इतना पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ सच दैट टू थ्री फोर फाइव टेंस टू दिस एंड दिस, ये जी है और इसमें फंक्शन के वैल्यू, फंक्शन आप टू कहीं पर आएगा तो थ्री पुट करोगे, फंक्शन आप थ्री को फोर पुट करोगे, फंक्शन आप फोर फंक्शन आप फाइव दोनों इक्वल हैं जो फाइव की इक्वल हैं, जी थ्री जी फोर सेवन की इक्वल है जी फाइव जी, ये है। और हमको यहाँ पर फाइंड करना है, ये तो इतना क्वेश्चन हुआ, अब हमको ज्ञात क्या करना है, क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है जी ओ एफ, हमको फाइंड करना है क्या जी ओ एफ, ये हमारा क्वेश्चन है कि जी ओ एफ फाइंड करना है। देखिए जी ओ एफ फाइंड करना है तो आपको पता है जी ओ एफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि कोई भी वैल्यू का जी ओ एफ फार्मूला अभी आपको बताया, जी ओ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू होता है जी फंक्शन ऑफ एक्स, ये मैंने आपको फार्मूला बताया। तो यहाँ पर एक्स मतलब ये हमारा जो फंक्शन है, यहाँ पर ये फंक्शन ऑफ एक्स है और फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू अपने पास क्या है टू थ्री फोर फाइव, और ये क्या है इसका रेंज है, ये डोमेन है, ये इसका रेंज है, उस बेस पर वो निकलेगा। तो हमको जी ओ एफ टू थ्री फोर फाइव सब के लिए अलग अलग अपने को निकालना है, तो वन बाई वन अपन निकालते जाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको लिखना आना चाहिए। तो पहले हम निकाल लेते हैं क्या फर्स्ट नंबर में जी ओ एफ ऑफ टू, किसके लिए टू के लिए, तो क्या हो जाएगा जी फंक्शन ऑफ टू, इसको हम लिख सकते हैं जी, इसको ब्रैकेट को आप ऐसा लगाइए जी फंक्शन ऑफ टू ऐसा, दैट इक्वल टू जी, अब फंक्शन ऑफ टू का वैल्यू हमको यहाँ पर लिस्ट में दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टू कितना है थ्री, तो फंक्शन ऑफ टू के जगह में हम क्या पुट कर सकते हैं थ्री, और दैट इक्वल आगे हमको ये जी थ्री का भी वैल्यू दिया हुआ है, देखो जी थ्री किसके इक्वल है सेवन के इक्वल है, क्लियर, तो ये कितना हो गया सेवन हो गया। ऐसा निकालते हैं, बहुत आसान काम है, बस वैल्यू पुट करना आना चाहिए। सेकंड नंबर में हम निकालें जी ओ एफ ऑफ टू के बाद किसका निकालेंगे थ्री का, तो ये थ्री निकालेंगे, तो कैसे लिखेंगे इसको जी फंक्शन ऑफ थ्री, थ्री के लिए निकालना है दैट इक्वल टू जी, और फंक्शन ऑफ थ्री का वैल्यू हमारे लिस्ट में क्या है ये फोर, ये क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी नहीं है, मैं स्टार्टिंग में बोला ना आपको, इसे आसान मैथमेटिक्स नहीं है कंपोजिशन से फंक्शन में। अब जी फोर का वैल्यू आपको दिया हुआ है, जी फोर कितना है फाइव, तो कितना हो जाएगा ये फाइव हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड नंबर में अपन निकालें जी ओ एफ ऑफ कौन से एलिमेंट के लिए, थ्री के बाद फोर के लिए, तो ये फोर के लिए निकालेंगे, ये हो जाएगा जी फंक्शन ऑफ फोर दैट इक्वल टू जी, और फंक्शन ऑफ फोर यहाँ से देखो फंक्शन ऑफ फोर क्या है फाइव, ये हो जाएगा जी फाइव, और जी फाइव का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है कितना इलेवन, तो ये इलेवन हो गया। फिर निकालेंगे अपन जी ओ एफ किसके लिए फाइव के लिए, तो फाइव के लिए निकालेंगे जी फंक्शन ऑफ फाइव दैट इक्वल टू जी, फंक्शन ऑफ फाइव का वैल्यू यहाँ से देखो, ठीक है फंक्शन ऑफ फाइव ये दोनों इक्वल है, ये भी क्या है फाइव है, और जी फाइव का वैल्यू क्या है अपने पास जी फाइव का इलेवन। इस तरह से अब यहाँ पर लिखेंगे तो देयर फोर हम इसके आंसर को किस तरह से लिख सकते हैं, देयर फोर जी ओ एफ इक्वल, अब हम इसके पेयर बनाते जाएंगे, टू रखे तो क्या वैल्यू आया सेवन, ये हो जाएगा टू सेवन, इसके बाद थ्री रखे तो क्या आया फाइव, ये हो गया थ्री फाइव, फोर रखे तो आया इलेवन, फोर इलेवन, फाइव भी रखे तो इलेवन, ये आ गया फाइव इलेवन, ये हो जाएगा जी ओ एफ का वैल्यू। तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको इस पोजीशन पर क्वेश्चन को लिखना आना चाहिए, बहुत आसान है, कोई भी क्वेश्चन इसमें ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया टू सेवन थ्री सेवन, टू सेवन टू सेवन थ्री सेवन, फोर इलेवन फाइव इलेवन थ्री सेवन, थ्री में भी सेवन आ रहा है क्या, मैं कुछ गलत लिख दिया जी फाइव, थ्री में भी सेवन जी फाइव, तो इलेवन दिया हुआ है, आंसर कैसे आंसर रॉन्ग है क्या, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। टू सेवन थ्री सेवन थ्री, जी फोर का वैल्यू कितना है
जी फोर का वैल्यू 5 है, तो फिर क्या मिस्टेक है? G37 G4 दिया हुआ है, G3 G4 को यहाँ पर मैं गलती लिख दिया क्या? अच्छा ठीक, यहाँ पर देखो ये वैल्यू को मैं F का देख लिया लगता है, G4 ये है ना, G4 कितना दिया हुआ है 7, तभी आंसर मैच नहीं हो रहा है, ये 7 है, ये वैल्यू मैंने रॉन्ग लिख लिया था, G4 यहाँ से देखना पड़ेगा G4, वैसे यहाँ पर G5 तो ये हो जाएगा 37, एक्चुअल में आया है आंसर 2737411511, ठीक है 2737411511, हाँ ठीक, ये मैंने वैल्यू को G4 का वैल्यू मैं मेरे ख्याल से F4 का वैल्यू देख लिया था, तो G4 का वैल्यू क्या है 7, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुटअप करना है, एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं अपन इस पर, फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि फॉग और ऐसी गाफ निकालते हैं ना, फॉग और गाफ उल्टा भी उसी तरह से होता है कंपोजिशन, जैसे फंक्शन ऑफ जी होता है वैसे जी ऑफ एफ होता है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ सर बेस्ड में, अब जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो आया हुआ क्वेश्चन है, कई बार आया है। देखिए एफ सच दैट आर टेंस टू आर इज गिवन बाई, एफ सच दैट आर टेंस टू आर, और ये गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2, एंड जी सच दैट आर टेंस टू आर, ये इसलिए देता है कि आपको कंडीशन पता हो कि किस नंबर के लिए है, तो इसका मतलब है रियल नंबर के लिए, ठीक है, दोनों फंक्शन रियल नंबर के लिए है, और यह है एक्स अपान एक्स माइनस 1 जी एक्स इक्वल टू एक्स अपान एक्स माइनस 1, हमेशा इसमें आपको दो फंक्शन देगा, एक एफ और दूसरा जी, तो दो यहाँ पर फंक्शन है अपने पास, देखो ये है एक और दूसरा है एक, और हमको यहाँ पर फाइंड करने बोल रहा है, क्या ज्ञात करने बोल रहा है, यहाँ प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ हमको निकालना है एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये दोनों निकालना है और साथ में निकालना है इसके एंड एफ ओ जी टू एंड जी ओ एफ माइनस 3, एफ ओ जी टू एंड जी ओ एफ माइनस 3, ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन आ गया समझ में, फंक्शन ऑफ एक्स ये है जी एक्स ये है, इसके हेल्प से आपको एफ ओ जी भी निकालना है जी ओ एफ भी निकालना है, और जब दोनों निकल जाए तो उसके हेल्प से एफ ओ जी टू और जी ओ एफ माइनस 3 फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पर बोर्ड को 2 पार्ट में कर दूँ, एक एक पार्ट में दोनों को मैं निकालता हूँ। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं सपोज एफ ओ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होता है उसका आप लिख लो, इसका मतलब होता है एफ, बाहर एफ है और अंदर जी एक्स, ये निकालेंगे दैट इक्वल, अब आप देखिए यहाँ पर एफ, अब यहाँ क्या करना है जी एक्स के वैल्यू को पुटअप करना है, जी एक्स का वैल्यू अपने पास ये है एक्स अपान एक्स माइनस 1, ध्यान रखना मैं कहाँ किसका वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ, तो जी एक्स का वैल्यू है ये एक्स अपान एक्स माइनस 1 एक्स अपान एक्स माइनस 1, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना कि एफ के अंदर में जो वैल्यू आया, एफ के अंदर में जो कुछ भी वैल्यू आया ये अब ये एक्स की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब जो मैंने ब्लू कलर की इंक से भी राउंड किया एक्चुअल में क्या है वो एक्स है, और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स यहाँ पर पुटअप होगा फंक्शन ऑफ एक्स की जगह में, जैसे यहाँ पर एक्स है उसके जगह में एक्स अपान एक्स माइनस 1 है, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पुटअप होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, दैट मीन्स एक्स अपान एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स जगह में पुट होगा और प्लस 2, ऐसा सॉल्व होगा, ध्यान देना। अब इसको हम यदि सिंप्लीफाई करें सरल करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये एलसीएम आएगा,
और ऊपर हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होते जाएगा अंदर 2x स्क्वायर और माइनस माइनस 2x आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x और ये हो जाएगा प्लस प्लस 1 का स्क्वायर 1 तो हो जाएगा प्लस 2 और अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इक्वल 2 और 1 हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ ओ जी। अब हमको फाइंड करना है क्या जी ओ एफ, तो यहाँ हम फाइंड कर लेते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स और इसका मतलब क्या हो जाएगा जी अंदर हो जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स, ये दैट इक्वल जी और फंक्शन ऑफ एक्स क्या है अपने पास ये है फंक्शन ऑफ ए है एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब ये एक्स की तरह बिहेव करेगा और ये कहाँ पर पुट होएगा जी एक्स में, ये जो जी एक्स दिया है जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो एक्स अपन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 और अपन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 दैट इक्वल ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गए दो आंसर किसके किसके एफ ओ जी के और दूसरा हो गया किसका जी ओ एफ का जो हमको क्वेश्चन में पूछा है। अब इसके साथ हमको ये पूछा है एफ ओ जी ऑफ 2 तो यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ ध्यान देना यहाँ ब्लू इंक से लिख के निकाल रहा हूँ मैं यहीं पर नीचे में इसके यहाँ आसान होगा निकालना एफ ओ जी ऑफ 2 इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ आपके फंक्शन में एक्स है वहाँ क्या पुटअप करना है 2 पुटअप करना है तो हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा जहाँ एक्स वहाँ पर 2 पुटअप कर दिया यहाँ पर 4 इंटू 3 12 माइनस 4 इंटू 2 8 प्लस 2 और अपॉन 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 और दैट इक्वल ये हो जाएगा 12 में से 8 माइनस होगा तो 4 और 4 प्लस 2 6 ये हो जाएगा इसका आंसर 6। वैसे वहाँ पर हम निकालें क्या जी ओ एफ माइनस 3 और देयर फोर जी ओ एफ आप माइनस 3 यहाँ पर माइनस 3 पुट कर देंगे माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इक्वल 9 प्लस 2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 11 अपॉन 9 प्लस 1 क्या 10 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है एक बार आंसर टेली कर लेता हूँ मैं कभी कभार कुछ प्लस माइनस मिस्टेक हो जाता है। आंसर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन सीबीएसई में 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक आंसर है। सेकंड का आंसर इसने दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस प्लस टू उसने सिंप्लीफाई नहीं किया मैंने सिंप्लीफाई किया है ठीक है वो डायरेक्ट आंसर एनसीईआरटी की बुक में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख दिया है आप ऐसा भी लिख सकते हैं और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया है ठीक है। ये वाला पोर्शन को आप हटा सकते हैं ठीक है इतना पोर्शन को आप हटा सकते हैं चाहे तो यही आंसर लिख सकते हैं या सरल भी कर सकते हैं क्योंकि बुक में एनसीईआरटी बुक में ये आंसर दिया हुआ है। इसके बाद इसका वैल्यू तो 11 अपॉन 10 एंड दिस इज 6 क्लियर तो ये इस तरह से सॉल्व होगा ये अच्छा क्वेश्चन है इसमें यही एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं सीबीएसई में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जबकि इसमें कुछ नहीं है आप देखो सिर्फ आपको एफ ओ जी और जी ओ एफ इस पैटर्न पर निकालना आना चाहिए कि एफ ओ जी किस तरह से निकलेगा इस फार्मूला से और जी ओ एफ इस तरह से और यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देते हैं। एक क्वेश्चन कुछ और बता दूं मैं इसी से रिलेटेड लगभग ऐसे ही हो क्वेश्चन लेकिन वह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में कवर हुआ है इसलिए वो भी मैं बता दूं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्लियर। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लें इसके बाद आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कंपोजिशन की। कंपोजिशन निकालना आसान है इसमें बस आप हड़बड़ी नहीं करना मिस्टेक नहीं करना कभी कभी जी ओ एफ की जगह एफ ओ जी का वैल्यू पुट अप हो जाता है और वहीं पर मिस्टेक होने के
ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी आप इसके एक्सरसाइज का और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन ही आया हुआ है एग्जाम में कई बार। फाइंड द जी ओ एफ एंड इफ एफ सच दैट आर टेंस टू आर, एफ सच दैट आर टेंस टू आर किस तरह से है कि फंक्शन ऑफ एक्स इज कॉस एक्स एंड जी सच दैट, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है, फिर भी प्रैक्टिस के लिए मैं करा दिया। जी एक्स इक्वल टू दिया है थ्री एक्स स्क्वेयर और यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एफ ओ जी इज नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, ये प्रूफ करना है। तो नेचुरली आप देखो दोनों को प्रूफ करना है, मतलब दोनों को वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत बार आया करके क्वेश्चन में करा रहा हूँ और प्रूफ करने वाले हैं। सीधा निकालो एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स दैट इक्वल टू एफ, जी एक्स का वैल्यू क्या है थ्री एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वेयर दैट इक्वल, अब ये एक्स हो गया वो यहाँ पुट अप हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस थ्री एक्स स्क्वेयर, रिलेशन नंबर फर्स्ट। अगेन जी ऑफ एफ एक्स ये निकालेंगे अपन तो वो हो जाएगा जी फंक्शन ऑफ एक्स दैट इक्वल टू जी, और फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास कॉस एक्स, वैल्यू बस प्रॉपर आपको पुट अप करना चाहिए कॉस एक्स। अब ये पूरा एक्स हो गया तो एक्स की जगह में पुट अप हो जाएगा, तो हो जाएगा थ्री और ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन नंबर टू। अब एक और दो को देखो, यहाँ पर ये कॉस थ्री एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये थ्री कॉस स्क्वायर एक्स है, तो दोनों इक्वल नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड जी ओ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, ये हो जाएगा प्रूव्ड। इस तरह से ये क्वेश्चन जो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन पर बेस्ड है, तो यहाँ पर आपने देखा वन वन आन टू प्रूफ करना थोड़ा डिफिकल्ट है, वहाँ पर थोड़ा आपको लॉजिक रीजनिंग और पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, लेकिन एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालना, सिर्फ एफ ओ जी ऐसा लिखते हैं जी ओ एफ ऐसा लिखते हैं और वैल्यू को कहाँ पर कैसे पुटअप करते हैं ये बस आना चाहिए, फिर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर मेरा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब फंक्शन का एक टॉपिक और बचा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरे फंक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शन का प्रतिलोम ज्ञात करना, मतलब फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूँगा इनवर्स ऑफ द फंक्शन लेके, फलन का प्रतिलोम लेके। ओके, थैंक यू।